नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीआरबी न्यूज़ पर। मैं राहुल पांडे। कोविड की चपेट में आने वाले मरीजों को ना जाने कितने परेशानियों से आगे जूझना पड़ सकता है। बताया जा रहा है कि जो व्यक्ति कोविड से संक्रमित हो जा रहा है उसे ब्लड क्लॉटिंग, हार्ट अटैक, डायबिटीज़ जैसी अन्य बीमारियों का शिकार होना पड़ सकता है। ऐसे में एक नई बीमारी जो है कोविड मरीजों के लिए सिर दर्द बनता हुआ नज़र आ रहा है। इस नई बीमारी का नाम है म्यूकर माइकोसिस, जिसे ब्लैक फंगस के नाम से जाना जाता है। यह बीमारी खतरनाक बताई जा रही है और कहा जा रहा है कि इससे मरीजों की जान भी जा सकती है। क्या है आखिर म्यूकर माइकोसिस, इसके बारे में हम आपको इस रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं। कोरोना वायरस की दूसरी लहर का कहर दिन व दिन बढ़ता ही जा रहा है। कोविड की चपेट में आने वाले लोग अब न जाने कितनी ही समस्याओं से जूझ रहे हैं। ब्लड क्लॉटिंग के बाद अब ब्लैक फंगल इन्फेक्शन की शिकायतें आ रही है। यह एक गंभीर बीमारी बताई जा रही है जिससे व्यक्ति की जान भी जा सकती है। कोविड में डायबिटीज़, हार्ट अटैक, ब्लड क्लॉटिंग के बाद अब फंगल इन्फेक्शन की शिकायतें आ रही है। ये नया सिम्टम्स लोगों में डर पैदा कर रहा है। इस बीमारी को म्यूकर माइकोसिस के नाम से जाना जाता है और तमाम अस्पतालों में भर्ती मरीजों में ये सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं। म्यूकर माइकोसिस के तेजी से बढ़ते मामलों को ध्यान में रखते हुए गुजरात में ऐसे रोगियों के लिए अस्पतालों में अलग वार्ड स्थापित करना शुरू कर दिया गया है। आइए जानते हैं क्या है म्यूकर माइकोसिस और इससे बचने के लिए क्या बरते सावधानियाँ। सबसे पहले बात करते हैं म्यूकर माइकोसिस आखिर है क्या। म्यूकर माइकोसिस इन्फेक्शन एक गंभीर बीमारी है जो शरीर में बहुत तेज़ी से फैलती है, जिसे आम बोलचाल की भाषा में ब्लैक फंगस कहा जाता है। ब्लैक फंगस मरीज के दिमाग, फेफड़े या फिर स्किन पर भी अटैक कर सकता है। इस बीमारी में कई मरीजों के आँखों की रोशनी जा चुकी है। वहीं कुछ मरीजों के जबड़े और नाक की हड्डी के गलने की भी शिकायतें हैं। इसके अतिरिक्त भी तमाम दूसरी परेशानियां हैं। अगर समय रहते हैं इसे कंट्रोल ना किया गया तो इससे मरीज की मौत भी हो सकती है। ब्लैक फंगस एक आंतरिक फंगल संक्रमण है, जबकि त्वचा पर होने वाला इन्फेक्शन ब्लेमिशेस, गुच्छे, गांठ या स्किन के बीच दिखता है। इसमें स्किन पर खुजली होती है लेकिन ट्रीटमेंट लेने से ठीक हो जाता है, जबकि ब्लैक फंगस की चपेट में आने से मरीज की मौत भी हो सकती है। अगर इसके लक्षण की बात करें तो कोविड रिकवरी के बाद इसके कई सिम्टम्स हैं, जैसे दांत दर्द, दांत टूटना, जबड़ों में दर्द, दर्द के साथ धुंधला या दोहरा दिखाई देना, सीने में दर्द, सांस लेने में परेशानी होना आदि। इसके अलावा इसमें व्यक्ति आंखें लाल और पलकों पर सूजन दिखने लगेगी। नज़ल कंजेशन यानी नाक के पास लालिमा पड़ जाना। US सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के अनुसार म्यूकर माइकोसिस की चपेट में आकर करीब 54% लोगों की मौत हो जाती है। म्यूकर माइकोसिस मुख्य रूप से उन लोगों को ज़्यादा प्रभावित करता है जो पहले से ही तमाम तरह की स्वास्थ्य समस्याएँ झेल रहे हैं और उनकी दवाएं ले रहे हैं। ऐसी सिचुएशंस में मरीज का शरीर कीटाणुओं और बीमारी से लड़ने की क्षमता खो देता है और फंगल इन्फेक्शन ऐसे लोगों पर अपना प्रभाव डालना शुरू कर देता है। म्यूकर माइकोसिस नाम के फंगस इन्फेक्शन के बढ़ते खतरे को देखते हुए अब सरकार ने एडवाइजरी जारी की है। सरकार ने कहा है कि अनदेखी करने से यह इन्फेक्शन जानलेवा हो सकता है, इसलिए बचाव के कदम उठाना ज़रूरी है। स्वास्थ्य मंत्रालय और इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR ने इसकी स्क्रीनिंग, डायग्नोसिस और मैनेजमेंट को लेकर प्रमाण आधारित एडवाइजरी जारी की है। हेल्थ एक्सपर्ट के अनुसार अगर कुछ बातों का ध्यान दे तो ब्लैक फंगस से बचा जा सकता है। इसके लिए डायबिटिक लोग और कोरोना से ठीक हुए लोग ब्लड ग्लूकोज पर नज़र रखें। स्टेरॉइड के इस्तेमाल में समय और डोज का पूरा ध्यान रखें या फिर बंद ही कर दें। ऑक्सीजन थेरेपी के दौरान स्टेरॉइल वाटर का प्रयोग करें। हमने बताया कि किस तरह से म्यूकर माइकोसिस कोरोना मरीजों के लिए जानलेवा साबित हो सकता है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। इससे जुड़ी हर अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। बने रहिए डीआरबी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।